Let's get some drinks, guys. Beers for the ladies. Sunny, do we be here? No, na. Arey pile yaar. Come on, buddy. Sure, beer. Yeah, there you go. Cheers, 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 cheers. You know what, guys? आज रात हम पार्टी करने जाते हैं. What do you think? बहुत दिन हो गए और घर में पूजा पाठ चल रही है. I mean, मेरे जैसा बंदा घर में पूजा पाठ में क्या करेगा? It's gonna be so boring. मुझे नहीं रहना घर पे. आज रात सनी रेडी रहना. We'll go to the party. Sorry, ये सब तो ठीक है, बट आज तेरे घर पे फेस्टिव ओकेजन है ना, और वहाँ पे रहना तेरा जरूरी है. आई मीन इट्स करवा चौथ, राइट? इट्स अ बिग डे, बिग ओकेजन, बिग रिचुअल, और सब वहाँ पे रहेंगे और तू नहीं रहेगा तो सब तुझे ढूंढेंगे, बार बार कॉल करते रहेंगे. फिर तू क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा, बता. अरे हो जाएगा मैनेज, तू इतना क्यों सोचता है? आई एम श्योर यू लूथरा, मुझे किसकी जरूरत है, मैं कर लूंगा यार. ऐसे कैसे करेगा मैनेज, बता. देख, मैं घर जाऊंगा, पूरे घर वालों से एक साथ हार्डकोर फाइट करूंगा. ऐसी फाइट करूंगा कि सब परेशान हो जाएंगे, बोले ये क्या हो गया. उसके बाद मैं अपने रूम में चला जाऊंगा और सबसे कह दूंगा कि कोई मेरे रूम में नहीं आएगा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना. तो कोई आएगा ही नहीं और पता ही नहीं लगेगा कि कब शौर्य अपने रूम से क्लब पहुंच गया, और लोगों को कंफ्यूजन में रहेंगे. सर, एवरीथिंग विल हैपन, डोंट वरी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा. एनीवे, लेट्स चीयर्स टू टुनाइट्स पार्टी. चीयर्स, चीयर्स गैंग, लेट्स गो. चलिए वॉल्यूम अप कर देना थोड़ा सा. क्या कर रहा है अभी आज के दिन? हाँ, शनाया ने इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा. दिस इज नॉट टाइम, दिस इज नॉट टाइम. मुझे यहां पर नहीं, घर पे चाहिए. एक घंटे के अंदर यहां से घर पहुंचने में एक घंटा लगता है. बिना रुके तुम सीधा घर पहुंचोगे. ओके, बट डैड, करवा चौथ तो आप लोगों के लिए ना. फॉर यू ओल्ड पीपल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हैव फन. जस्ट शट अप. रोड पे लाउड म्यूजिक सुनना, हाथ में बियर की बॉटल, ड्रिंक्स करना, इसे पार्टी नहीं कहते, इसे आवारागर्दी कहते हैं. और शौर्य लूथरा आवारागर्द नहीं हो सकता. बाद शनाया ने तुम्हारे करवा चौथ का व्रत रखा है, एटलीस्ट उसका तो मान रखो तुम. और तुम लोग कमॉन, निकलो यहां से और सीधा अपने घर जाओ. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम्हारी वजह से शौर्य बिगड़ जाएगा, तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, शौर्य की वजह से तुम लोग बिगड़ जाओगे. He's a bad company, understand? So go back. Niklo sab log ghar. Tum, ek ghante ke andar ghar pe. No excuses. पुत्र सुन तो, शौर्य. अरे पुत्र मेरी बात तो सुन, रुकना. शौर्य बेटा रुक जा, मम्मी जी बुला रहे हैं. शौर्य रुक जा. शौर्य क्या हुआ पुत्र, रुका क्यों नहीं? शौर्य से प्लीज अब कुछ मत कहिए, वो उसने ड्रिंक कर रखी है. मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, करवा चौथ के दिन शौर्य ने ड्रिंक की. शौर्य पीना, आज के दिन भी ड्रिंक करना जरूरी था. शौर्य, शौर्य लिसन टू मी.
शौर्य मॉम प्लीज प्लीज जस्ट लीव मी अलोन व्हाई शुड आई लीव यू अलोन मुझे बताओ क्या हुआ है क्या क्या हुआ है माय डैड ही स्लैप्ड मी उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था आई वाज जस्ट हैविंग फन अकेले साइड में खड़े होकर चिल कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ वहां के सबके सामने थप्पड़ कैसे मार सकते हैं मुझे क्या मैं कोई छोटा बच्चा हूं कि शौर्य दिख गया है उसको लगा दो एक थप्पड़ दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स आज डैड ने ना सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी मॉम शौर्य तुमने डेफिनेटली कुछ तो किया होगा बताओ मुझे मैंने कुछ नहीं किया है मॉम जो कुछ भी किया उस स्टूपिड शनाय ने किया है अरे कितने बार बोला मैंने उसे मुझे नहीं पसंद ये करवा चौथ मत करो मेरे लिए व्रत व्रत नथिंग आई लाइक बट नहीं मेरी बातों से सुननी नहीं है उसे अपनी ही करनी थी जाके उसने मेरे लिए व्रत रखा और डैड को ये बात पता थी मैं बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ था और डैड ने मुझे वहां देख लिया आके मुझे थप्पड़ लगाया और सबके सामने मुझ पर चिल्लाते रहे कह रहे थे कि जा शनाया तेरे लिए व्रत रख के बैठी है जा उसके पास ऑल दैट स्टफ मेरी क्या गलती है यार मैंने उसे बोला था कि मेरे लिए व्रत मत रखना हद है मेरे डैड डैड नहीं है मॉम ही इज अ डेविल शौर्य जस्ट टेल यू तुमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो किया होगा क्यों मारा तुम्हारे डैड ने तुम्हें जस्ट टेल मी एक्चुअली मेरी गलती है इट्स ऑल माय फॉल्ट क्राइम किया है मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहा था थोड़ा सा मजे कर रहा था हंस रहा था बोल रहा था जो मुझे फैमिली के साथ करने नहीं मिलता है वो शायद मेरी गलती थी मॉम मैंने कुछ नहीं किया इट वाज ऑल शनाया शनाया ने व्रत रखा व्हिच इज व्हाई डैड इज गेटिंग एंग्री विद मी शॉर्ट जस्ट काम डाउन एंड लिसन टू मी जब लाइफ हेवाय चल रही हो सिचुएशंस अपने कंट्रोल में नहीं हो लोग हमारी तरफ नहीं हो तो इतना अग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते थोड़ा कामली रिएक्ट करो देखो सबकी नजरों में मैं गलत हूँ तुम गलत हो हम जो भी करते हैं वो सब कुछ गलत है तो उस गलत को सही करने के लिए अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे ना तो हम गलत ही दिखेंगे हमें उसे सही करना है और उसे सही रखने के लिए हमें आराम से काम लेना होगा हमें स्मार्टली काम लेना होगा उस गलत को सही हमें ही करना है अपनी रिस्पेक्ट अपनी पोजीशन हमें वापस लेनी है ओके देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा ट्रस्ट में जब तक डैड आसपास है ना कुछ भी ठीक नहीं होगा पता नहीं आपको कैसे दिखता नहीं है कभी कभी देखा है आपने डैड को ऐसे बिहेव करते हुए राजवीर के साथ कभी चीखते हुए चिल्लाते हुए उसे डांटते हुए कभी देखा है नहीं ना सिर्फ मेरे साथ करते हैं वो क्योंकि राजवीर तुम्हारी तरह गिरी हुई हरकत नहीं करता पलकी ने उसके लिए व्रत रखा है और उसकी टेक केयर कर रहा है उसका ख्याल रख रहा है तो उसमें बड़ी बात क्या है डैड पलकी का ख्याल रख रहा है ना वो मैं भी रख सकता हूँ कोई भी रख सकता है इट्स नॉट अ बिग डील रियली तुम अपना ख्याल तो रख नहीं सकते दूसरों का ख्याल क्या रखोगे तुम तुम्हारे लिए लाइफ का मतलब क्या है लेट नाइट पार्टी ड्रिंक्स फ्रेंड्स यही ना अब ठीक कह रहा हूं मैं तुमसे शौर्य निकलो इन सब चीजों से बाहर हो सकता है जिंदगी में कुछ बन जाओ इन चीजों में घिरे रहना कुछ नहीं बन पाओगे नहीं बनना डैड मुझे कुछ भी नहीं बनना मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं तो इसका मतलब मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है शर्म है या बेच खाई है तुमने आई एम वार्निंग यू शौर्य गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट एंड बी इन योर लिमिट्स